गाइस, तो मैं आज आपको मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको दो प्लेट की माध्यम से हम आपको गिलास में पानी गर्म करने के लिए इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। न्यूट्रल और फेज इकट्ठे इनको जोड़ के इसमें माचिस की तीली लगा के तो आपको दिखाने वाले हैं कि इस वायर से कंटेक्ट करके 220 वोल्टेज देंगे कि इसमें रिएक्शन क्या आता है, पानी में क्या रिएक्शन आता है। तो चलो इसको कॉन्टैक्ट करके आपको मैं बता दूँ। जैसा देख सकते हैं मैंने सीरी बोर्ड लगाया, इसमें हमारी वोल्टेज आ रही है 198। हम करोगे तो वोल्टेज इतनी आती है भैया, तो देख सकते हैं हमारे गांव में इतनी वोल्टेज आ रही है। तो इसमें हमने डायरेक्ट सीधा ऐसे ब्लेड को जॉइंट करना, ये बहुत कठिन है लगाना, तो आप घर पे कोशिश मत करना ऐसा। तो हम इसको सीधा पानी के अंदर, ये हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो इसके अंदर सीधा पानी के अंदर इसको डालने वाले हैं। और 198 वोल्ट अगर हम 198 कहेंगे तो इसको सीधा 198 वोल्टेज इसमें देने वाले हैं। देखते हैं पानी गर्म होता है या नहीं। तो चलो हम इसमें डालकर सीधा डायरेक्ट इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं इतने आपको बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एंड लाइक कमेंट जरूर करें कहाँ से हो आप। तो चलो मैं करता हूँ स्टार्ट। तो गाइस 198 थी तो 99 हो गई। इसमें मैंने ज्वाइंट करने के बाद ये वाली पाइप देखो सीधा इसमें आ रही है। तो इसको चलो इसको पानी के अंदर डालते हैं। इसमें 198 हो गई वापस, तो इसमें 198 वोल्टेज चल रही है। तो गाइस चलो पहले इसको बटन को बंद कर लेते हैं, फिर हम इसको पानी के अंदर डालते हैं, कहीं कोई शॉर्ट सर्किट ना हो इसलिए। तो चलो इसके अंदर डाल देते हैं। हमारा देखो सेटअप तैयार है, इसमें हम वोल्टेज देने वाले हैं। चलो चलो 1 2 3 स्टार्ट। तो गाइस ये देखो वहाँ पे 101 वोल्टेज हो गई, हमारा 90 वोल्टेज हो गई है, इतना इसने पानी गर्म कर दिया है। तो देखो आप इतना शॉर्ट सर्किट हो रहा है। हमारे यहाँ पे इस बोर्ड में जो थी लाइट ही चली गई, इसने इतना शॉर्ट सर्किट कर दिया पानी गर्म कर सकते। तो गाइस हमारे इसमें बोर्ड में लाइट ही चली गई, इतना इसने वोल्टेज छोड़ा है, 100 वोल्टेज रह गई थी। तो चलो चेक करते हैं क्या हुआ है। तो गाइस देखिए इनका हाल, इसमें वोल्टेज नहीं आ रही, 0 वोल्टेज है। तो चलो इसको बंद करके हम दोबारा से देखते हैं इसमें वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही। इसमें तो भाई साहब लाइट नहीं है, फिर भी ये चल रहा है, पानी देखने वाले कितना गर्म हो गया। तो इसको बंद करते हैं, इसकी वायर निकालते हैं, वायर भी बहुत गर्म हो गई भैया, इसको भी स्टार्ट कर देते हैं। गाइस बोर्ड ये ख़राब हो चुका है हमारा, इसमें लाइट नहीं है, देख सकते हैं आप इस पानी को, ये ब्लेड का हाल देख सकते हैं कैसा हो गया, ब्लेड ब्लैक हो गया भैया साहब, ब्लेड भाई साहब ये गर्म हो गया, फुल एंड गर्म है। इसको हम देख सकते हैं आप फुल गर्म है, इस पर हाथ नहीं लग रहा है। तो ये देखो इतना पानी गर्म कर देता है, इसका टेम्परेचर बताने के लिए हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, तो आपको इसको टेम्परेचर बताते हैं। तो ये ब्लैक जो हुआ इस ब्लेड के साफ नहीं होने से हुआ है, नया ब्लेड नहीं, मैंने पुराना लिया इसलिए। तो इसमें देखते हैं क्या दिक्कत आई है। ये तो हो गया ख़राब भाई साहब, हमारा जो ये बोर्ड था जिसमें हमने वायर लगाई, तो ये भी हमारा ख़राब हो गया, सिर्फ ये पक्खा चल रहा है हमारा, बाकी ये शॉर्ट सर्किट था ये ख़राब हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, कैसी लगी वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके बताना कि आपको और वीडियो ऐसी चाहिए या नहीं।